अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे लैम्ब चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि लैम्ब चिकन यखनी पुलाव को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप्स के जितने बासमती राइस ले लिए हैं, और ये मेरे पास लैम्ब शोल्डर का मीट है, ये तकरीबन 700 ग्राम के जितने हैं, हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने चिकन के ड्रम स्टिक्स और थाई पीसीस लिए हैं, और ये तकरीबन 6 पीसीस मैंने लिए हैं, 4 लेग पीसीस हैं और 2 ये थाई पीसीस हैं, ये भी तकरीबन कोई 700 ग्राम के जितना बनता है। तो यहाँ पे जो यखनी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बताऊंगी, ये मैं हाफ़ चिकन में यूज़ करूंगी और हाफ़ मैं लैम्ब की यखनी बनाने में यूज़ करूंगी। तो जो भी इंग्रेडिएंट है ये हाफ़ हाफ़ यूज़ होंगे। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के जितने मैंने होल कोरिएंडर सीड ले लिया है, ये 1 लार्ज अनियन मैंने लिया है, उसे मैंने ये 4 पीसीस में कट कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने ये 2 ली हैं ब्लैक कार्डमम्स, और 6 मैंने ले ली हैं ग्रीन कार्डमम्स, और 2 स्टिक्स मैंने ले ली हैं सिनेमन की, और 6 क्लोव्स ले लिए हैं मैंने। यहाँ पे 1 टीस्पून के जितना मैंने ब्लैक पेपर्स ले लिए हैं, और 2 टीस्पून के जितने गार्लिक पेस्ट है, 2 टीस्पून के जितना जिंजर पेस्ट, और 2 टीस्पून के जितना सॉल्ट ले लिया है, 2 ग्रीन चिलीज़ हैं ये, और इनको मैं डालूंगी, और ये 2 बे लीव्स ले लिए हैं। ये तमाम चीज़ें हाफ हाफ जाएंगी चिकन और लैम्ब में। तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम राइस यानी कि पुलाव बनाने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया है, उसे फाइनली चॉप कर लिया है। 1/2 कप के जितना वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा, और आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और 1/2 कप के जितना योगर्ट चाहिए होगा, 1.5 टीस्पून के जितना सॉल्ट चाहिए होगा, और 1 टीस्पून के जितनी हमें चाहिए होगी जिंजर पेस्ट, और 3/4 टीस्पून के जितना गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, और पुलाव मसाला हमें चाहिए होगा 1.5 टीस्पून के जितना। इसमें मैंने तमाम जो गर्म मसाला होता है वो उसमें ऐड कर लिया, लौंग, इलायची, दालचीनी और ब्लैक पेपर्स, क्लोव्स, तमाम चीज़ें, और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर लिया है। तो ये गरम मसाला है पुलाव के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून फेनल सीड और 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर लेके, उसको पाउडर बना लिया। तो ये 2 टीस्पून के जितना फेनल और कोरिएंडर सीड का पाउडर है, और यहाँ पे 1.5 टीस्पून के जितना हमें चाहिए क्यूमिन सीड, और यहाँ पे कुछ वेजेज़ मैंने ली हैं थोड़ी सी, 3 टेबल स्पून के जितनी, और यहाँ पे ये कैरेट मैंने ली है, इसको मैं इस तरह राउंड डिस्क में काट लूँगी बिल्कुल जब डालने का टाइम आएगा तब। और ये 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने ली हैं, इसको स्लिट कर लिया, और 1 बादियान का फूल हमें चाहिए होगा। यखनी के लिए चीज़ें डाल लेते हैं कुकर में, इसको स्टीम लगाएंगे हम 10 मिनट्स के लिए। तो पानी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इसमें लैम्ब डाल देते हैं। अनियन डाल देते हैं 2 स्लाइसेस इसमें, और ये कोरिएंडर हाफ डाल देते हैं, हाफ चिकन में डाल लेंगे इस तरह से। ब्लैक पेपर्स चली गई हाफ, हाफ सॉल्ट डाल देते हैं, पहले ड्राई चीज़ें डाल देते हैं, बाद में वेट डाल देते हैं, ये चला गया। और 3 इसमें लौंग डाल देते हैं, ग्रीन कार्डमम और ब्लैक कार्डमम वो डाल देते हैं, और हाफ चला जाएगा इसमें गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट चला जाएगा इसमें, और 1 ग्रीन चिली डाल देते हैं इसमें, और 1 बे लीफ डाल देते हैं। बस इतनी ही चीज़ें इसमें डालेंगे हम, और इसको स्टीम लगा देंगे। तो चलिए आइए अब चिकन की यखनी के लिए तमाम चीज़ें इसमें डाल लेते हैं। पानी डाल देते हैं पॉट में, और इसमें चिकन शामिल कर देते हैं।
बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें डाल देते हैं। अनियन चला जाएगा और ये कोरिएंडर, कार्डमम्स चली गई इसमें, सिनेमन स्टिक, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट चला गया इसमें और ये इसमें ग्रीन चिली चली गई एक। इसमें डाल देते हैं गार्लिक पेस्ट और इसमें चला जाएगा जिंजर पेस्ट और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं एक बे लीफ। तो यहाँ पे चिकन यखनी डन हो चुकी है, मैं इसमें से पीसीस निकाल लेती हूँ और फिर बाकी की जो यखनी रह जाएगी उसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए, ये इसे तकरीबन 15-18 मिनट्स में ये बिल्कुल चिकन डन हो गया था। तो चलिए ये मैंने सारे पीसेस निकाल लिए और यखनी मैं स्ट्रेन कर लूँगी। तो यहाँ पे लैम्ब यखनी भी बिल्कुल रेडी है, इसके भी पीसेस निकाल लेते हैं और बाकी की जो यखनी होगी उसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो इस तरह से आप तमाम पीसेस निकाल लीजिए। 10 मिनट्स मैंने इसको स्टीम दी है, बहुत अच्छे से ये हो गया है। तो लैम्ब यखनी के पीसेस भी मैंने निकाल लिए। तो यहाँ पैन मैंने ले लिया, इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल चला गया इसमें और इसमें अनियन मैं डाल दूंगी। तो चलिए यहाँ अनियन फ्राई हो रहा है, ऑलमोस्ट ये ब्राउन होने को है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बिल्कुल जस्ट 1 टेबल स्पून और इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। अगर मैं पानी नहीं ऐड करती तो थोड़ा सा ये जलने का टाइम देता था। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने अभी इसमें ऐड किया और अभी मैं इसमें ये क्यूमिन और बादियान का फूल ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें फेनल सीड और कोरिएंडर सीड का जो पाउडर था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप देखें कि मसाला पेंदे में चिपकने लगा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए आप। बस इस तरह से इसको जल्दी से मिक्स कर लीजिए और अभी मैं इसमें ये जो हमने निकाल के रखे हैं पीसेस मटन के, लैम्ब के और चिकन के, ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसको इसमें भून लेते हैं थोड़ा सा। ये जो मैंने इसमें सौंफ और धनिया का पाउडर डाला है इसकी बहुत अच्छी सी एक हिडन सा टेस्ट आता है, कोई इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि इसमें क्या चीज़ डली हुई है। तो बहुत ही अच्छा सा इससे फ्लेवर निकल के आता है, आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें योगर्ट ऐड कर देती हूँ और योगर्ट का पानी खुश्क होने तक इसको भून लूँगी मैं। अच्छे से आप इसको भून लीजिए योगर्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं लैम्ब और चिकन को बहुत अच्छे से भून रही हूँ और योगर्ट का पानी भी ऑलमोस्ट तकरीबन ड्राई हो गया है। तो ये जैसे आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे मैं इसमें जो गरम मसाला था पुलाव के लिए वो ऐड कर देती हूँ। प्याज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा वरना पुलाव का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। ग्रीन चिली इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। अगर आपको ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से भून लीजिए 5 मिनट और फिर हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो स्ट्रेन करके रखी है हमने। तो चलिए मीट हमारा भून चुके हैं, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं वाटर
2.5 कप्स के जितने राइस थे हमारे, तो 5 कप्स के जितना डबल हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो चलिए इस पॉइंट पे अब हम इसका सॉल्ट चेक कर लेते हैं। जो हमने राइस के हिस्से का सॉल्ट है वो अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं किया, अभी वही सॉल्ट है जो हमने यखनी में डाला था लैम्ब और चिकन को टेंडर करने के लिए और यखनी बनाने के लिए। तो इस पॉइंट पे आप चख लीजिए। मैं इसमें फ़िलहाल 1.5 टीस्पून, बल्कि मैं इसमें पहले 1 टीस्पून डालूंगी और अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें और ऐड करूंगी। तो 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। जो ही एक अच्छा सा बॉयल इसमें आ जाता है तो इसमें हम राइस ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका सॉल्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यखनी में सॉल्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही फील होना चाहिए तो ही ये चावलों में पूरा होगा, तो थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ज़्यादा रहना चाहिए। तो चलिए यखनी में बहुत अच्छा सा बॉयल आने लगा है। अब इस पॉइंट पे इसमें राइस ऐड कर देते हैं। राइस को मैंने तकरीबन 30 मिनट्स से पानी में भिगो के रखा हुआ था नीम गर्म पानी में। इसमें डाल देते हैं राइस। ये आप अच्छे से साफ कर लीजिए बाउल, तमाम इसमें डाल दीजिए। तो एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए राइस को। बार बार हम राइस को नहीं इसमें चम्मच लगाएंगे, वरना ये राइस भी टूट सकते हैं और ये नीचे चिपक भी जाते हैं। आप इसको पकने दीजिए। इसमें आपको लिड इसका लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस विदाउट लिड इसको पकने दीजिए। तो यहाँ पे पुलाव का पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है, ये देखिए आप इस तरह से। तो इस वक्त मैं इसमें ये जो मैंने आपको वेजिस बताई थी, कैरेट्स और ग्रीन बेल पेपर, ये इसमें ऐड कर देंगे। बस ऊपर ऊपर से आप इसको ज़रा हल्का सा कर लीजिए, बहुत नीचे तक चम्मच नहीं लेके जाइएगा। तो चलिए देखिए ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रह गया। अब मैं इसे अवन में दम के लिए रखूँगी। तो यहाँ मैं पॉट को मैंने अवन में रख दी है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 30 मिनट में इसको दम दूँ। तो लैम्ब यखनी पुलाव को देख लेते हैं। अभी मैंने इसे अवन से निकाला है, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आप, बिल्कुल ये डन हो गया। राइस भी बहुत किले किले से बने हैं। तो अभी मैं इसको सर्विंग प्लेटर में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आइए, लैम्ब चिकन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने सर्विंग प्लेटर में निकाल लिया है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। बहुत अच्छा ये बनके तैयार होता है। एक ही पुलाव में आपको दो फ्लेवर मिल जाते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।